पूर्वांचल में बढ़ते बेरोजगारी के संकट को देखते हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का अनूठा तरीका युवाओं ने शुरू किया है। बलिया शहर के द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित कॉलोनी में रोजगार मेला का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया, जिसमें राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है, लेकिन युवा बेरोजगार है, जो बहुत चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए जिन वादों के जरिए सरकार सत्ता में आई उसको पूरा करना चाहिए और युवाओं को बेरोजगारी के संकट से निकालना चाहिए। रोजगार मेला रानू पाठक जी और के सिंह जी ने, जिनका इंस्टीट्यूट है, वो लोग आयोजित किए हैं। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि यहाँ पर एक मेला सफल हो और जिन कंपनियों का नाम दिया है, अगर उन कंपनियों में हमारे बच्चे, बलिया के बच्चे जाकर नौकरी करते हैं, तो बड़ी सौभाग्य की बात होगी हम लोग। अगर मैं मानता हूँ कि नौजवानों को नौकरी दी जा सके, तो ये सबसे बड़ा पुनीत कार्य मानता हूँ। तो हम लोग जैसा, भारत को हमेशा विश्व शक्ति क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग पास बहुत बड़ी युवा शक्ति है जो 35 साल से कम उम्र की, तभी विश्व में भारत को एक युवा शक्ति कहा जाता है। और जब तक हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो शक्ति कहीं विनाश में ना बदल जाए, ये एक आशंका है। और इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, जो सरकार में है लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, कि जो नौजवानों की आकांक्षाएं हैं, जो उनके जो पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, इंजीनियरिंग डॉक्टरी करने के बाद जो चाहता है सरकार से, तो उसको एक सम्मानजनक नौकरी मिले, तो हम लोग का दायित्व है कि उसको नौकरी दी जाए। मेरा नाम अजीत मिश्रा, योगेंद्रनाथ ITI आवास विकास कॉलोनी बलिया, और श्री योगेंद्रनाथ ITI बसिया प्रधान पट्टी बलिया। किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए किनको लाभ मिलेगा? आज हमारी सोच में, हमारे प्रयास में शामिल है, हम युवाओं को रोजगार दिलाएं, बेरोजगारी से हम लोग मुक्ति दिलाएं, क्योंकि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और जब तक ये बेरोजगारी रहेगी, तब तक समाज में कुरीतियाँ, बवाल, तमाम तरह के गंदे काम होते रहेंगे। लोगों की जब रोजगार रहेगा, तो उनकी मानसिकता अपने काम में फंसी रहेगी, अपने काम के प्रति सोच रहेगी, और जब वो बेरोजगार युवक रहता है तो तमाम तो कैसे आप रोजगार दिलाएंगे? अब सरकारी कंपनियों में तो हम लोग की व्यवस्था नहीं हो सकती सरकारी नौकरियों में, लेकिन प्राइवेट कंपनियों से हम लोग HR वगैरह से, अधिकारियों से मिल करके, उनसे संपर्क करके उनके लोगों को बुलाते हैं कि हमारे युवाओं को इंटरव्यू लें, और वो उनके इंटरव्यू लेने के बाद उनको सिलेक्शन करें और अपनी कंपनियों में जॉब दें, ताकि वो हमारे बच्चे। ये थी बलिया से मोमसाद अहमद की रिपोर्ट।